हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपके लिए डेली न्यू अपडेट्स, न्यू वैकेंसीज के बारे में लाता रहता हूं, तो आज की जो हमारी वैकेंसी आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की हमारी वैकेंसी 10th पास और जो हमारे बैचलर डिग्री कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हमारी वैकेंसी है। स्टेप वाइज आपको पूरी वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप एंड तक देखना, कहीं भी वीडियो को मिस मत करना। पूरी डिटेल्स स्टेप वाइज आपको दूंगा इस वैकेंसी की। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नई वैकेंसीज के बारे में डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से वैकेंसी आई है, इसकी मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 31/1/2019 है, और जो इसकी लास्ट डेट है वैकेंसी की वो हमारी 25/2/2019 इसकी लास्ट डेट है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के बारे में। तो इसके अंदर टोटल पोस्ट 47 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइडेड कर रखी है। यूआर के अंदर हमारी 32 पोस्ट है, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 11 पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दूं तो आपके पास डिग्री विद द 50% मार्क होना जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है इंग्लिश की वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। साथ में आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी जरूरी है। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेसर की, तो इसका अंदर आपको जो दो टेस्ट देने पड़ेंगे। लेवल वन का जो टेस्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और रीजनिंग और आपके मैथ्स के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। लेवल टू का जो आपका टेस्ट होगा वो आपका जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और कॉम्प्रेंशन का होगा। इसके बाद दोस्तों एज लिमिट जो हमारी दे रखी है अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट की, तो आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए तीनों कैटेगरी के लिए, और जो आपकी मैक्सिमम एज है वो तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो आपकी यूआर के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 27 है, एसटी के लिए 32 और ओबीसी के लिए आपकी 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है। बात करते हैं दिव्यांग कैंडिडेट्स, जो हमारे दिव्यांग कैंडिडेट्स हो गए उनके लिए जो आपकी यूआर की एज रिलैक्सेशन है वो 10 ईयर्स है, एसटी के लिए 15 और ओबीसी के लिए 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए है। पे स्केल जो आपका दोस्तों होगा अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 25,500 प्लस आपका अलाउंस इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा, तो आपकी टोटल सैलरी आपकी 25,500 प्लस आपका जो अलाउंस मिलेगा उसको टोटल आपकी सैलरी। नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट है, इसके अंदर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 13 पोस्ट है। यूआर के अंदर 5, एससी के लिए 1, एसटी के लिए भी 1 और ओबीसी के लिए हमारी 6 पोस्ट डिवाइडेड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इसके अंदर जो आपको चाहिए वो मैट्रिकुलेशन आपकी पास होनी चाहिए प्लस आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की स्टेनोग्राफी होनी चाहिए, यानी आपकी जो इंग्लिश स्टेनोग्राफी की स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी जरूरी है। साथ में आपको इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी जरूरी है। इसके अंदर भी आपका जो लेवल जो आपके सिलेक्शन प्रोसेसर है वो लेवल 1 और लेवल 2 के थ्रू हो गए। लेवल 1 जो आपका टेस्ट होगा उसके अंदर आपकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट कवरिंग होगा, इसके अंदर आपके जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और आपकी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। जो आपका लेवल 2 का टेस्ट होगा उसके अंदर आपकी टाइपिंग की स्पीड की टेस्ट होगा, यानी आपका जो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट है उस लेवल 2 के अंदर आपका वो होगा। स्टेनोग्राफी ग्रेड 3 की जो पोस्ट हमारे इसके अंदर आपकी मिनिमम एज तीनों कैटेगरी के लिए 18 ईयर्स होनी जरूरी है। आपकी मैक्सिमम एज 27 यूआर के अंदर, एसटी के लिए हमारी 32, एसटी के लिए भी 32 और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 30, ये आपकी मैक्सिमम एज है स्टेनोग्राफी ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए। बात करें दिव्यांग कैंडिडेट्स की, तो इनके अंदर यूआर के अंदर आपको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी के अंदर 15 का और एसटी के अंदर भी 15 ईयर्स का और ओबीसी के अंदर आपको 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा दिव्यांग कैंडिडेट्स को। इसके पे की बात करते हैं तो इसका भी आपका जो पे होगा वो सेम होगा 25,500 प्लस आपका अलाउंस इसके अंदर ऐड होगा। एप्लीकेशन फीस मैं आपको बता देता हूँ दोनों पोस्ट की। तो आपकी जो अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है इसके अंदर आपकी 100 रुपीज़ फीस है, और जो स्टेनोग्राफी ग्रेड 3 की पोस्ट है उसके लिए भी आपको फीस जो है वो 100 रुपये है। जो हमारी फीस है 100 रुपये है, ये हमारी सिर्फ ओबीसी और जनरल के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट्स ओनली। जो बाकी हमारे एससी एसटी एंड फीमेल जो कैंडिडेट्स होगी उनके लिए हमारी नो फीस है, यानी आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी अगर आप एससी एसटी और वुमेन कैटेगरी से बिलोंग। बता देता हूँ दोस्तों आपको कि आपको ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो इसका जो एप्लीकेशन होगा ऑनलाइन होगा, इसकी मैं लास्ट डेट आपको बता चुका हूँ कि 25/2/2019 होगी। तो अब मैं इसकी बात करता हूँ एप्लीकेशन की कि आपको कि अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन लिंक होगा वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ स्टेप वाइज कि आपको कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। इसके एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप कुछ ऐसा इंटरफेस पर आ जाएंगे। तो इसके अंदर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन यानी आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी का कॉलम दिया हुआ है, इसमें आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी अपनी। इसके बाद आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका स्टेट ऑफ बर्थ। तो आपको ऐसे करते करते ये पूरा फॉर्म फिल कर लेना है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है नीचे,
कैप्चा कोड डाल के आपको इस पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी, अपने फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद आप अपना प्रिंटआउट इसका निकाल के सेव कर लीजिएगा, यही आपको पूरा प्रोसेस होगा। तो आप इसके लिए जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 31/1/2019 से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप ऐसे ही नए नए वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप न्यू वैकेंसीज़ के बारे में डेली अपडेट्स रहें।